नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो हिंसेफ का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 24 ट्रे इलेक्ट्रिक रोटरी रैक ओवन के बारे में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये मेरा रोटरी रैक ओवन एक घंटे में कितनी बिजली की खपत करता है और मैं इस रोटरी रैक ओवन से कौन कौन सा माल बना सकता हूँ और ये मेरा इलेक्ट्रिक रोटरी रैक ओवन में कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसकी कहाँ कहाँ उपयोगिता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, ये हमारा इलेक्ट्रिक ओवन है। इसमें हमारे इस तरह के हीटर लगे होते हैं, इसमें हमारी फिन्स लगी होती हैं जो हमारे हीटिंग को बेहतर तरीके से डेसिपेट कर पाते हैं, यानी हीट को फैला पाती हैं। इस ओवन में हमारे 24 हीटर लगे होते हैं, प्लस में हमारे दो मोटर लगी होती हैं जिनका मैं तकरीबन दो किलोवाट का लोड मान के चल रहा हूँ। प्लस में हमारे एक एक किलोवाट के ये 24 हीटर हो गए, तो मेरा 24 किलोवाट तो ये हो गया, 2 किलोवाट मेरी मोटर का और कंट्रोल पैनल का टोटल लोड हो गया, तो ये हमारे 26 किलोवाट का पूरा टोटल ओवन का लोड हो गया। इसको यदि मैं गुणा करता हूँ, मैं मेरी 10 रुपये पर यूनिट की कंजम्पशन के हिसाब से, कमर्शियल मीटर के हिसाब से, तो ये हमारा 260 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से इसका खर्चा आएगा यदि मेरे को इसको ऑपरेट करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस ओवन में क्या क्या बना सकते हैं। हम इस ओवन में हमारे ब्रेड, बिस्किट, रस्क, जैसे हमारे खाद की सिकाई हो गई, ये हमारी मेडिसिन्स हो गई, उनको सुखाना हो गया, ये हमारे बादाम वगैरह हो गए, पीनट्स वगैरह हो गए, इनको सुखाना हुआ, ये सारा काम हम इस ओवन से कर सकते हैं। दोस्तों अब इस ओवन की बेकिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है ब्रेड की बारी। ये हमने ब्रेड की ट्रॉली लगाई हुई है और इस ब्रेड की ट्रॉली में 6 शेल्फ हैं और एक शेल्फ में इस तरह के 3 सांचे आ सकते हैं। जैसे मैं आपको लगा के दिखाऊं, तो 1, 2, 3, तो एक सांचे में 4 ब्रेड है, कुछ सांचों में 3 ब्रेड होती हैं, तो इस हिसाब से इस ट्रॉली में 72 ब्रेड आएंगी, मतलब 72 ब्रेड आप एक साथ बेक कर सकते हैं। ये जैसे 400 ग्राम का सांचा है, तो इस हिसाब से हमारा इस ट्रॉली में लगभग 30 किलो माल यानी 72 मेरी ब्रेड हर 40 मिनट में बेक हो सकती हैं। वहीं मैं अगर इसको 8 घंटे का निकालूं, तो 8 घंटे में मेरी मिनट होती हैं 8×6 = 48, 480, यानी कि 12 बार बेक होगा और हर एक बार में 72 ब्रेड बेक होंगी, तो लगभग 850 ब्रेड मैं इस ओवन में बेक कर सकता हूँ, जो कि लगभग, अगर मैं छोटे साइज की बात करूँ तो लगभग 240 किलो होगा, और अगर 400 ग्राम की बात करूं तो 350 किलो तक ब्रेड इस ओवन में मैं बेक कर सकता हूं, मतलब 850 लोफ तक 8 घंटे में इस ओवन से हम निकाल सकते हैं, 24 ट्रे के ओवन से। अब दोस्तों ब्रेड के बाद हम कुकीज़ की बात कर लेते हैं। तो कुकीज़ की इस ओवन में 24 ट्रे आएंगी और एक ट्रे में लगभग 400 ग्राम माल आता है, तो 24 ट्रे में 400 ग्राम के हिसाब से लगभग 10 किलो माल एक बार में बेक होगा और कुकीज़ का बेकिंग टाइम लगभग 15 मिनट होता है, तो एक घंटे में 40 किलो कुकीज़ बेक हो सकती हैं और 8 घंटे में वही लगभग 300 किलो के आसपास कुकीज़ इस ओवन में बेक हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रस्क की, क्योंकि रस्क को 2 बार बेक करना पड़ता है, इसलिए उसकी बेकिंग कैपेसिटी कुकीज़ के मुकाबले आधी आएगी। तो कुकीज़ मेरी लगभग 300 किलो बेक हुई, तो इस ओवन में लगभग 150 किलो रस, अगर इस ओवन को एफिशिएंटली यूज़ करें तो 150 किलो रस 8 से 10 घंटे में इस ओवन में हम एवरेज बेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस ओवन की बेकिंग कैपेसिटी के बारे में बताया। ये ओवन अगर आपको अपनी दुकान लगा के वहीं पे सेल करनी हो, दूसरा आपकी हाइट की लिमिटेशन हो, इस तरह की स्थिति में आप 24 ट्रे का ओवन कंसिडर कर सकते हैं। अब हम हमारे ओवन का ओवरऑल लुक दिखा देते हैं, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। इसमें मेरी ट्रॉली लग जाती है सीधी जाके और लॉक हो जाती है। ये मेरी पूरी एसएस के फिनिश के साथ आता है। यहाँ पे मेरे हीटर होते हैं और ये मेरी मोटर लगी हुई है जो मेरे अंदर ओवन के अंदर हवा को घुमाएगी। तो इस तरह के ओवन या फिर इस तरीके की बेकरी के सेटअप के बारे में यदि आपका कोई सवाल है या सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के बेकरी के ओवन में इंटरेस्टेड है या फिर आप
लगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए। यदि आप हमसे फ्यूचर में इस तरीके के बिजनेस आइडियाज के बारे में जुड़ना चाहते हैं, यदि आप इस तरीके के बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।